आज मैं आपको धमाका वाइल्ड चिकन कढ़ाई बनाना बताती हूँ, जो कि बहुत चटपटी मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो जितनी चिकन ले ली है, धनिया ले लिया है, हरी मिर्च है, और योगर्ट ले लिया है, क्रीम ले ली है, और भी इसके अलावा स्पाइसेस में जाएंगे तो मैं स्टेप बाई स्टेप सारी रेसिपी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रख दिया है मैंने कढ़ाई में तेल। यहाँ पर अपन चिकन को इसमें फ्राई करके थोड़ा सा हम कलर देंगे। इसके बाद इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे अपने, अच्छा सा कलर दे देंगे। इसको थोड़ा सा हिलाते भी जाएंगे ताकि सब जगह से कलर इसके आ जाए। और ये जब तक इस पर कलर आ रहा है, हम अपना सेकेंड स्टेप करते हैं। सारी चिकन को उलट पलट कर दे, मतलब उल्टा कर दे, जिस जगह से हल्का सा वाइट हो गया है। दूसरी चिकन को इस तरह से कर ले, गोल्डन, मतलब हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तब तक हम इसे फ्राई करते हैं। हाँ जी, अभी अपने ब्लेंडर में हम धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, योगर्ट डाल देंगे और क्रीम, इसका एटमॉस्फेयर बनाएंगे अपनी वाइट कढ़ाई के लिए। सारी चीज़ें डाल दें इसके अंदर, हरी मिर्च को भी थोड़ा सा चॉप कर लें। चिकन अगर अभी भी फ्राई होता है, थोड़ा सा इसका अच्छा सा कलर आ जाता है, तो फिर इसे निकालते हैं, निकालते नहीं बल्कि इसी में रहने देते हैं। जी, दही डाल देंगे इसके अंदर सारा का सारा, दही डालने के बाद डालेंगे इसके अंदर हम अपनी कुकिंग क्रीम, फ्रेश क्रीम, कुकिंग क्रीम कोई सी भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दें और इसे ब्लेंड करते हैं। चिकन में कलर आ गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्पाइसेस इसमें शामिल करते हैं। सबसे ज़्यादा पहले हम तकरीबन 1/6 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये डालने के बाद इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, जो कि मेरा तकरीबन एंड पर है, थोड़ा सा है तो वही है, जीरा ही इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, जो कि मैं टूटा हुआ डालूँगी, टूटा हुआ रोस्टेड चाहिए 1 चम्मच टमाटर इसमें टूटा हुआ कोरिएंडर, और नमक डालेंगे इसकी रायता, और अपने हिसाब से नमक डाल दें जितना आप नमक पसंद करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लाल कलर की प्याज चली जाएगी, जो तो मैंने पहले से ही कर ली थी। जैसे आपके पास अगर प्याज ना हो तो सबसे पहले आपको प्याज करनी है, फ्राई करनी है, और अच्छे तरीके से हम भूनेंगे अच्छे तरीके से मसाले के साथ। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लगभग वाइट पेपर डालने के बाद हमने धनिया और हरी मिर्च कहीं और थोड़ा सा जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे, थोड़ी मिर्च लगाएंगे इसके अंदर, इसे अच्छी से भूनेंगे हम। अच्छे से पेस्ट मिला के लिए ढक कर पकाते हैं, अच्छे से इसके साथ भून लें। चिकन को देते हैं इसके साथ, स्लो फ्लेम करके ढक के इसको पकाते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई रेडी है, वाइट चिकन कढ़ाई। अभी इसे डिश आउट करते हैं। चलिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइट चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये कि मैंने इंस्टाग्राम